नमस्कार दोस्तों, मेरे होम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने कुछ DIY किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल थी जो मैंने पहले हैच बनाई थी, लेकिन अब हैच निकाल ली है और ऐसे ही पड़ी थी, तो उसे दो पार्ट में कटिंग कर लिया है। नीचे का पार्ट उल्टा करके उसके ऊपर फेविकोल से ढक्कन वाला पार्ट चिपका दिया है और ऊपर जो खुला पार्ट है उसमें मैंने मिट्टी भर के छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं और कुछ इस तरह बॉटल दिखती है। अभी मैं अच्छी तरह उसमें कलर कर दूंगी, उसके बाद वो और सुंदर बन जाएंगे। अभी तो मैं इसे प्लांट लगा रही हूँ। एक दूसरी बड़ी बोतल भी मैंने इसी तरह काट के लगा ली है और उसमें मोस रोज लगा रही हूँ। मोस रोज की बड़ी बड़ी लंबी स्टिक लेके उसको रबर बैंड से बांध लिया है और नीचे के पत्ते सब निकाल लिए हैं, ऊपर ही मैंने रहने दिए हैं। इसी तरह मैं ये बोतल में लगा दूंगी। और दूसरी जो मैंने DIY बनाए थे उसमें मैंने कोलियस की कटिंग और मनी प्लांट लगाया है। दूसरी भी मेरे पास बहुत सारी बॉटल पड़ी है, उसमें भी मैं छोटे छोटे प्लांट दूसरे लगा दूंगी, वो भी मैं आप लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, इस तरह हम अपने प्लांट को सजाएंगे तो हमारा गार्डन और भी सुंदर बनेगा और जो हम पौधा लगाते हैं उसकी भी सुंदरता और निखर जाती है। ये छोटे छोटे प्लांट इस तरह मैंने मटके में भी बहुत सारे दूसरे अलग अलग प्लांट लगाए हैं। आप सकलन प्लांट भी लगा सकते हैं। क्योंकि उस सकलन प्लांट को भी ज़्यादा जगह नहीं चाहिए और पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम ऐसे छोटे छोटे प्लांटर में हम सकलन प्लांट भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने DIY बनाया है, पहले भी एक मैंने बनाया था, ये जो पहले बनाया था वो है, उसमें जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली है वो उसको हम निकाल देंगे क्योंकि तभी अच्छी शेप में वो अच्छा लगेगा। ऊपर से भी थोड़ा पिंचिंग कर लूँगी और एक प्रॉपर शेप आ जाएगा, उसके बाद ये प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा। इसी तरह ब्रांच की पिंचिंग करने से हमारा प्लांट भी बुशी बनेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। इसी तरह मोज रोज की कटिंग से आप अलग अलग DIY बना सकते हैं। उसको भी आप अलग अलग शेप में बना सकते हैं। ये मेरे पास दूसरी कुछ प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, उसको भी मैंने बीच में का पार्ट निकाल के उसमें टेंगल हार्ट, टर्टल वाइन, वंडरिंग जू लगाया है। अभी मैं उसमें अच्छी तरह कलर करके थोड़ी बॉर्डर बना दूंगी, इसके कारण उसका जो शेप है वो अलग निखर के आ जाएगा। अभी तो मैंने ऐसे ही प्लांट लगा दिए हैं, बाद में उसमें भी फिनिशिंग करके वो अलग शेप दूंगी। दोस्तों, इसी तरह अलग अलग बॉटल का यूज़ करके हम बहुत सुंदर प्लांट बना सकते हैं। ये हमारी वेस्ट में से बेस्ट बन जाएगा। मेरे पास कुछ ये सूखे हुए फ्लावर पड़े थे तो मैंने उसे अच्छे अच्छे फ्लावर निकाल के उसका एंजाइम बना। दूसरे जो फूल बचेंगे उसको मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी। दोस्तों, एंजाइम बनाने के लिए मैंने ये अलग अलग फ्लावर
ले लिए हैं, उसमें गुलाब के, मैरीगोल्ड के और चमेली के, सेवंती के फ्लावर हैं, ये सब मैं ये जार में भर रही हूँ। उसके बाद उसमें गुड़ डालूंगी। हम जो गुड़ लेते हैं उसका 3 भाग ज़्यादा हमें फूल लेना है, और पानी जब भरेंगे तो थोड़ी सी जगह ऊपर से खाली रखेंगे, क्योंकि एंजाइम बनता है तब उसमें गैस रिलीज होता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी जगह रखनी पड़ती है। ये मैंने अच्छी तरह भर दिया है और उसको एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दूंगी, और हर रोज ढक्कन खोल के मैं उसका जो गैस बनेगा उसको रिलीज़ करते जाऊंगी। 40 दिन में हमारा एंजाइम बनके तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे एंजाइम बनता जाएगा ये फूल नीचे बैठते जाएंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।